हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 2 हम देख रहे थे, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। पार्ट 7 में हम देखेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। क्या होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको समझेंगे। इट इज़ अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच डैट इट्स निगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन मीन्स एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारा फंक्शन जो होगा, जो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक फंक्शन फाई इज द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड एंड टी इज द विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर स्टडी के लिए देखते हैं, स्टडी फ्लो के लिए। ठीक है, फाई हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर हमारा कोई फंक्शन, ठीक है, नेगेटिव डेरिवेटिव हो रहा हो, तो वो क्या बताता है, हमारा फ्लूइड की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यू का देखें, ये किस डायरेक्शन का वेलोसिटी है, ये एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है। तो यू रिप्रेजेंट माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये हमारा जो तीन आया है, ये तीन हमारा मेन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन यही बोलता है। क्या, देखिए, इट इज अ फंक्शन, दिस फंक्शन विच इज डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस मीन्स कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, और टाइम दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सच दैट फंक्शन का निगेटिव डेरीवेटिव, फंक्शन, ये फंक्शन है, फंक्शन का निगेटिव डेरीवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन एक्स वाई और जेड गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन एनी डायरेक्शन गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फ्लूइड की वेलोसिटी यू बताएगा, मींस एक्स डायरेक्शन में। वाई फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे और निगेटिव साइन लगा के डिफ्रेंशिएट करोगे, दिस मीन्स वी बता रहा है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। फंक्शन को जेड के टर्म में पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे विथ माइनस के साथ, तो वो हमें देगा डब्ल्यू इन डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है, बस यही था हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे यू वी और डब्ल्यू दे देगा आपको, बोल देगा वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल लें इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन डायरेक्शन ऑफ वाई। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो यू होता है वो माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल एक्स होता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स नहीं होता। या फिर इससे पहले हम देखे थे, क्या देखे थे हम, डेल एक्स अपॉन डेल टी देखे थे। ठीक है, वेलोसिटी में क्या होता है, यू इज इक्वल टू लिमिट dt टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी। जी नहीं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन का जिस डायरेक्शन में आप डिफ्रेंशिएट करोगे उस डायरेक्शन में, बट निगेटिव साइन के साथ करोगे, तब आपको उसकी एक्चुअल वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, अब देखें, नाउ अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अब जो आपको यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू आई, आप यहाँ पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू v and w in above equation, put करें del upon del x minus del phi upon del x, u की जगह हमने put किया, plus del upon del y, v कितना है minus del phi upon del y, plus del upon del z, w कितना है minus del phi upon डेल सेट इज इक्वल टू जीरो।
अभी आप इतना समझ लो, बाकी आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो आपको ये सब वेलोसिटी पोटेंशियल फर्स्ट फंक्शन एक्सीलरेशन वेलोसिटी न्यूमेरिकल ही मेन इसका, न्यूमेरिकल अगर आप समझ गए ना तो फिर थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका तब क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मैं आगे कराऊंगा, खूब सारा न्यूमेरिकल कराऊंगा, देख लेना आपको पूरा टॉपिक ही सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो आई थिंक आपको अभी अभी फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आया नहीं है। तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में यू वी और डब्ल्यू जो पोटेंशियल फंक्शन है हमने उसे पुट किया। अब जो इक्वेशन हमारा बनेगा ध्यान से देखना और याद करना ये कौन सा इक्वेशन है, मैथ्स का एम टू का जो आपने मैथ एम टू पढ़ा था उसका कुछ इक्वेशन बनता जा रहा है सेम टू सेम। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं दिस इज द लैपलास इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन। आप M3 में भी इसका थोड़ा सा टॉपिक पढ़े होंगे, ये जो हमारा इक्वेशन बना है ये लैपलास इक्वेशन बना है। अब क्या होता है कभी ये, और लैपलास इक्वेशन ये किसके लिए है, ये हमारा थ्री डायमेंशन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और टू डायमेंशन में अगर आपसे कोई पूछे क्या बनेगा हमारा लैपलास इक्वेशन, तो टू डायमेंशन में सिर्फ ये टर्म, जो ये टर्म है हमारा, ये टर्म जो है ये हमारा क्या बनेगा टू डायमेंशन, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा फिलहाल हो गया, और आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो कर्ल ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। अब फाई की जगह पे आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर लें, विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर लें, ऑलवेज बी इज इक्वल टू जीरो। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, इस इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं कर्ल ऑफ कर्ल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक टर्म हम नोट करते हैं, या फिर हम बोले आपको यहाँ पे फाई की वैल्यू, कोई भी फाई की वैल्यू आपको कहीं क्वेश्चन में दी हुई हो, अगर हमारा इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, इस लैपलास इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, देन जो आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो होगा, तभी आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कंडीशन में होगा, अदरवाइज फ्लूइड में वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या बताया, अगर फाई की वैल्यू इस लैपलास इक्वेशन में सेटिस्फाई होती है देन फ्लूइड किस कंडीशन में है, फ्लो कंडीशन में है, ओके। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये पोटेंशियल फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और ये लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल फंक्शन में हम देखें, फॉर अ रोटेशनल फ्लो, फ्लो आपका जब रोटेशन होगा, रोटेशनल फ्लो याद है ना हमने टाइप्स ऑफ फ्लो में हमने पढ़ा था, रोटेशनल फ्लो द रोटेशनल कंपोनेंट आर गिवन बाय इक्वेशन दिस, रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा एक्स, डब्ल्यू एक्स नहीं है, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ये डब्ल्यू है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल जेड, ओमेगा वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, एक्स वाई एंड ओमेगा जेड इज इक्वल टू वन बाई टू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ये याद करना होगा कि वन बाई टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, क्वेश्चन में आपको यू वी और डब्ल्यू का इक्वेशन दे देगा और बोल देगा आप रोटेशनल कंपोनेंट निकालें, तो डब्ल्यू एक्स को डब्ल्यू वाई को डब्ल्यू जेड को आपको निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला लगा के कि डब्ल्यू को आप वाई के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करो और माइनस करके वी को आप जेड के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करो और दोनों को माइनस करके वन बाई टू से डिवाइड कर दो, वन बाई टू से इंटू कर दो, तो आपका डब्ल्यू एक्स कंपोनेंट निकल आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन अब आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मैट्रिक्स टाइप का फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो बहुत ईजी लगेगा, तो समझाने के लिए बस आपको मैं यहाँ मैट्रिक्स तरीका बता रहा हूँ ये कैसे ये आया, आपको याद रहेगा हमेशा कि अगर भूल गए आप तो मैट्रिक्स की यूज़ करके आप ये बना सकते हो। आइए मैं आपको बताता हूँ, तो जो आपका रोटेशनल कंपोनेंट बनता है अब वो आप एक्स के लिए लो, वाई के लिए लो, चाहे जेड के लिए लो, जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है, आई कैप जे कैप के कैप, ये जब वेक्टर फॉर्म में आप जब करोगे इसको, क्वेश्चंस में ज़्यादातर वेक्टर फॉर्म में ही पूछते हैं, तब आपका आई जे कैप यूज़ होता है, अदरवाइज इस फॉर्मूले के लिए आप इसको चाहो तो
मत यूज़ करो। अब यहाँ पे यू लिख लो, जे के साथ वी लिख लो, के साथ क्या लिख लो डब्ल्यू, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी पढ़ रहे थे एक्सीलरेशन, तो वहाँ पे हमने यू के साथ हमेशा आई होता है, वी के साथ हमेशा जे एंड डब्ल्यू के साथ हमेशा के रहता है ना, सेम टू सेम। और इसको लिख लो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। अब मैट्रिक्स सॉल्व करने आता है ना, इस टर्म को अगर आपको लेना है, आई ले रहे हैं तो आप इसको और इसको छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। आता है या भूल गए? चलो ट्राई करके देखना। ओके तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे। अच्छा तो ये तो हमारा रोटेशनल कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब इस जो यहाँ डब्ल्यू यू वी और डब्ल्यू जो है, अगर इस रोटेशनल कंपोनेंट को अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, किसी फंक्शन का एक्स के रिप्रेजेंट में करोगे माइनस लाई कर दोगे तो उसका डायरेक्शन दिख जाता है। तो सब्स्टिट्यूट द value of u, v and w in terms of phi, in terms of phi के टर्म में अगर आपको u, v और w को चेंज करना हो तो क्या क्या होगा हमारा रोटेशनल कंपोनेंट? तो ओमेगा x इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ठीक है। अब देखो w है यहाँ पे ना, तो w के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल y को पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। और W क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड लिखते हैं, सेम टू सेम। डेल V के लिए डेल अपॉन डेल जेड माइनस डेल V, V के लिए क्या लिखते थे हम लोग, फाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो जो हमारा रोटेशनल कंपोनेंट फाइनल इसका बनेगा वन अपॉन टू माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड और डेल वाई, ये हमारा एक्स के लिए बना, सेम टू सेम। वाई के लिए क्या हो जाएगा, वन बाई टू। अब इसी तरह यू की जगह माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स पुट करो तो आपका जो बनेगा फाइनल इक्वेशन वो बनेगा फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड। मैं पुट नहीं करके दिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप एक मैंने करके पुट करके दिखाया वैसे ही आप कर लेना, माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड। तो ये हमारा एक्स जेड के लिए, वाई के लिए और ये हमारा x के लिए, ये तीन इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बोलें जो हमारा phi टर्म है फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, देन इफ phi इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन देन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई, किसी एक को ले लें, डेल जेड इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल वाई एंड ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा जेड इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इफ फाई इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन तो आप किसी भी टर्म को ले लें, उसको किसी भी फंक्शन को आप ले लें, ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ गया ओमेगा एक्स के लिए। ओमेगा वाई के लिए इसको लें और ये वन बाई टू को हटाएं, इसको गायब करें क्योंकि ये नंबर में है, हम यहाँ सिर्फ जो टर्म्स फाई के साथ कनेक्ट होगा उसी को लेंगे ट्रांसफर करें, तो इसके लिए भी बनेगा इक्वेशन, इसके लिए बनेगा। तो इस टाइप का ये तो डब्ल्यू एक्स के लिए बना, डब्ल्यू वाई के लिए भी बना लेना, डब्ल्यू जेड के लिए भी बना लेना, और फिर तीनों को जब आप ऐड करोगे इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारा रोटेशनल कंपोनेंट एक्स वाई जेड जीरो आ रहा हो तो हमारा जो फ्लो है वो कैसा है, ई रोटेशनल फ्लो, ई रोटेशनल फ्लो।
क्या हमने कहा, अगर हमारा रोटेशनल कंपोनेंट जीरो आ रहा हो, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड निकाल लो ऐसे करके, डब्ल्यू एक्स पुट करके डब्ल्यू वाई पुट करके डब्ल्यू जेड पुट करके निकाल लो, तीनों को जब ऐड करोगे और जीरो आएगा, दिस मीन्स आपका जो फ्लो है वो ई रोटेशनल फ्लो है। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चंस में आपको ये करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और भी हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिलहाल इतना काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब इट।